फिर उड़ानिया की बात करें तो शो में आप सभी को बताते चले कि यहाँ आसमा को नया नाम नूर मिल गया है। यहाँ पर जो काम करती है उनके यहाँ उन्होंने कह दिया कि मेरे रिश्तेदार है। और अब जो है, अब आप देखने वाले हैं कि अब जब नूर बनकर आसमा वहाँ पर है तो उसे कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेजा जाता है। आसमा बाहर ऑटो से निकलती है और गुरुद्वारे के बगल से जैसे ही ऑटो निकलता है उसे ऐसा लगता है कि वो ये जगह जानती पहचानती है। पुरानी जितनी भी यादें हैं आसमा की वो उसके सामने आने लगती हैं। तो वहीं दूसरी ओर अरमान जो है वो बहुत गुस्से में है। वो घर वालों को कह रहा है कि जब आसमा ने कहा है कि राजा जिंदा है तो राजा जिंदा है, इसलिए आप लोगों को शोक मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत तेज अरमान गुस्से में है। तभी वहाँ आलिया भी आ जाती है और आलिया भी कहती है कि राजा जिंदा है। देखना दिलचस्प ये है कि क्या अब सारा का सारा श्रेय आलिया अपने ऊपर लेकर जाएगी कि उसने राजा को बचाया है और राजा को साथ लेकर आएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर रह रहकर अरमान जो है बस यही सोच रहा है कि किसी भी तरीके से वो आसमा को ढूंढ कर लाएगा। देखना दिलचस्प होता है कि क्या होगा शो में आगे।